टीबीएन देखने वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। कि बच्चों नूं ठंड विच रम जां ब्रांडी देनी चाहीदी है जां नहीं, डबल्यू एच ओ दा वड्डा खुलासा, एफ सी आई घोटाले दीआं खुल्लीआं परतां, पंजाब दे इक होर साबका मंत्री खिलाफ जांच तेज़, जेल विच बंद गैंगस्टर ने अमृतपाल नूं लिखी चिट्ठी, मुख्यमंत्री ने अचनचेत किया हस्पताल का दौरा अते कीते वड्डे ऐलान, कि जलंधर विच होवेगी हुण जिमनी चोण अते एंबूलेंस मुलाजमां दा सरकार नूं अल्टीमेटम। दोस्तों ये अते कुछ होर जानकारियां अपने प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगियां। इहदे तों पहलां कि इहनां दे उत्ते विस्तारत गलबात करां, तुहानूं सभनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम देख लेना, सुन लेना, जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ए कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। अते बीते कुछ दिनों की गैर हाजिरी तो बाद हुण तों लगातार इस प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडा साथ देवांगा। अते बीते कुछ दिनों के वास्ते पुनीत कौर होरां ने यह ड्यूटी निभाई, उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। ते आओ हुण इन्हां सारियां खबरां दे उत्ते एक एक करके विस्तारत चर्चा करिए। सब तो पहला एक धारणा बनी हुई है, खास करके मैं पंजाब दे विच्चों हुणे हुणे परते हैं, ठंड के दिनों दे विच बहुत सारे घरां दे विच छोटे बच्चों नूं कोई दवाई देण दी बजाए किसी डॉक्टर कोल ले जाण दी बजाए जां किसी हस्पताल विच ले जाण दी बजाए समझिया जांदा है कि बच्चों नूं खंघ हो गई, बच्चों का नक् वगन लग गया, जुकाम हो गया, तो घरेलू नुस्खे भी अजमाए जाते हैं अते इन्हां दे नाल नाल खंघ की दवाई समझ ली जाती है रम जां फिर ब्रांडी, कहिंदे कुछ बूंदा जां चमचा दे दिओ बच्चे ठीक हो जाणगे। हुण इसे मसले के उत्ते डबल्यू एच ओ भाव विश्व सिहत संगठन ने कुछ हैरानीजनक तत्थ सामने लियांदे है। डबल्यू एच ओ ने आख्या कि शराब होवे अलकोहल होवे ये बच्चों नूं देनी चाहिए जां नहीं, तुसी जदों सुनोगे तो तुसी हैरान होवोगे कि तुसी अज तक की कीता ते की कर रहे सी। डबल्यू एच ओ का कहना है कि शराब जां अलकोहल की एक बूंद नूं भी बच्चों नूं देना जहर दे बराबर समझिया जावे। अते नाल डबल्यू एच ओ ने चेतावनी भी दित्ती है कि बच्चों नूं दवाई मान के रम जां ब्रांडी ना दित्ती जावे। द लेसेंट पब्लिक हैल्थ के डबल्यू एच ओ के वलों इस स्टेटमेंट दरअसल जारी की गई है, जिसका मैं तुहाडे नाल जिक्र कर रहा हूँ। स्टेटमेंट के लिखा गया कि अलकोहल की एक बूंद भी बच्चों वास्ते नुकसानदेह है। डबल्यू एच ओ का कहना है कि शराब टॉक्सिक है, ये सेवन का कोई भी पद्धर बच्चों के वास्ते सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। विश्व सेहत संगठन का यह भी कहना है कि शराब की एक बूंद भी कैंसर वास्ते जिम्मेवार हो सकती है। शराब के सेवन तो उन्होंने लिखा कि सत्त तरह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है, मूँह का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो कई होर तरह के कैंसर का इस रिपोर्ट के जिक्र है। बहुत सारे मुल्क इस तरह के भी ने जिथे लोगों शायद कहते इस गल का पता नहीं कि शराब पीण दे नाल कैंसर भी हो सकता है। शराब नाल जिहड़े होण वाले नुकसान ने वह कहें इस मसले के उत्ते लोगों नूं जागरूक होना पएगा तो जागरूक करना पएगा। डबल्यू एच ओ की इस चेतावनी का जिक्र मैं इस करके करना जरूरी समझिया क्योंकि आप घर यह धारणा बनी हुई है कि हाँ बई बच्चों नूं सर्दी हो गई, बच्चों नूं खंघ लग गई, बच्चों नूं जुकाम हो गया, तो आ कुछ एक बूंदा जां एक अद्धा चमचा बच्चों नूं रम जां फिर कुछ होर दे दिओ ते जिहदे नाल ब्रांडी वगैरह देण दे नाल भी ये असरदार है। इत्थों तक उस रिपोर्ट दे विच जिक्र है कि बच्चों नूं जीवन भर की जानलेवा बीमारी तुसी तोहफे च दे सकते हो, जाने च जां अणजाने च, अगे मर्जी तुहाडी है। जो डबल्यू एच ओ ने आख्या वह तुहाडे नाल सांझा कर दिता गया है। अगली जिहड़ी खबर है घोटालिया की धरती आखा, पंजाब नूं किसे वक्त गुरुआं पीर पैगंबरां की धरती कह के ही संबोधन किया जाता सी, पर अज शायद पंजाब बदल रहा है।
घुटाला नित नवे दिन निकल निकल के सामने आ रहा है। एफ सी आई का घुटाला तो इस घुटाले दियां पंजाब दे विच्चों हौली हौली परतां खुलदियां जा रही ने। हुण तक जिहड़ी जांच पड़ताल की गई है, इस जांच पड़ताल के दौरान हुण तक जिहड़े तत्थ सामने आए हैं कि हेठले पद्धर तो लैके उपर तक के भाव चोटी के अधिकारी सारे इस घुटाले दे विच्च रले मिले सी। तो इस भ्रिष्टाचार की एक पूरी तरह स्थापित प्रक्रिया चली है। इन्ना ही नहीं, लेबर तो लैके उपरले अहुदियां तक बैठे व्यक्तियों को कमीशन तय किया होया सी। अधिकारियों की कथित मिली भुगते नाल कणकां दे विच वी अते चौल दे विच वी, कणक ते चौल दे विच वड्डी पद्धर ते कपड़ा घोटाला किया गया, मिलावट की जाती सी। अते फिर एक घटिया चौल घटिया कणक तुसी देखो कि किस हद तक गर्क गए सी कि घटिया कणक घटिया चौल फिर ये बच्चों मिड डे मील स्कीम तहत सप्लाई की जाती सी। चंगा जड़ा चौल सी जां कणक सी उनू बारों बार बाजार दे विच वेच दिता जाता सी। चौलां दी खरीद करके सरकारी खजाने नू किन्ना कु चूना लाया, आने वाले दिनों विच इहदियां वड्डियां परतां होर खुलण की संभावना है। दसना बनता है कि बीते कुछ कु दिनों तो ऑपरेशन कणक के तहत छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अधिकारियों की मिल मालकों की कथित मूली भुगत दियां परतां खुल गई ने। दसना बनता है कि एफ सी आई का भ्रिष्टाचार तो काफ़ी समय तो चर्चा च है, पर शायद किसी नूं इहदे इन्ने व्यापक पद्धर ते होण दा अंदाजा नहीं होना। सी बी आई दे वल्लों पंजाब दे विच 99 थावां ते छापेमारी की गई है। कार्यकारी डायरैक्टर समेत 75 अधिकारियों ते मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी अते स्टाफ 50 किलो दे गट्टे दे विच्चों बोरे दे विच्चों 3 किलो कणक कढ़दे सी। जे तुसी 3 किलो कढ़ लई तां 47 किलो दा ही जाण दिओ, जिहड़ी 47 किलो बच जांदी सी उहदा वी बेड़ा गर्क करदे सी। उहदे उत्ते पाणी दा छिड़काव कीता जांदा सी तां कि वजन उहदा वध जावे, फिर उह बाजार दे विच वेचिया जांदा सी। हुण जे कणक गिल्ली कर दित्ती है तां पिछे उहदा बचणा की है? कुछ दिनां दे बाद उहने काला होणा ही होणा है। बीते दिन ही पंजाब रीजन के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर के मैनेजर सतीश वर्मा गिरफ्तार किया गया, अदालत दे विच पेश किया गया, उहदा 4 दिन का रिमांड लै लिया गया। उहदे कोलों यह भी दस्या गया कि 20 लाख रुपए रिकवर भी किए गए हैं। छापेमारी के अधीन 3 करोड़ रुपए हुण तक रिकवर हो चुके ने। रिश्वत के इस कथित खुलासे की आपां जिसका जिक्र कर रहे हैं, घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, तुसीं देखो कि किस तरह की क्वालिटी, किस तरह का अनाज। यह भी दस्या जा रहा कि ट्रकों तो लेके जिहड़े अफसर वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे सी पोस्ट के हिसाब नाल रिश्वत उन्हां वास्ते तय की गई सी। जानकारी के अनुसार एक ट्रक तो 1600 रुपए रिश्वत भी ली जाती सी, 30% डिपू मैनेजर रखता सी, बाकी जिहड़ा 70% बचता सी वह बाकी दे स्टाफ दे विच वंडिया जाता सी। 150 रुपए डिवीजनल मैनेजर नूं जांदे सी। इस तरह चंडीगढ़ डिवीजन स्थित डिपू है जिहड़ा, उहदे विच एक ट्रक दे कोलों 1050 रुपए रिश्वत वजो लै जांदे सी। 200 रुपए जनरल मैनेजर नूं जांदे सी, 50-50 रुपए 4 DGM नूं जांदे सी, 20 रुपए RO लैब मैनेजर नूं जांदे सी। इह भी पता लग्गिया कि एक कपड़ा एक घोटाला व्यापक पद्धर से चल रहा है, जिसकी जांच जिसकी पड़ताल लगातारता नाल की जा रही है। पर कांग्रेस का एक मंत्री जिहड़ा कि हुण साबका हो चुके है गुरप्रीत सिंह कांगड़, उहदा नाम भी शुमार हो गया उन्हां मंत्रियों के जिन्हां के खिलाफ जांच खुल चुकी है। जानकारी मिली है कि गुरप्रीत कांगड़ के खिलाफ भी विजिलेंस ने जांच वढ दित्ती है। विजिलेंस नूं दरअसल गुरप्रीत कांगड़ के खिलाफ मंत्री के अहुदे ते रहिंदियां उन्होंने अपने अहुदे की जिहड़ी दुरवरतों की उहदियां शिकायतां मिल रही सी। कांगड़ ते दोष यह लगे है कि उन्होंने कुछ भर्तियां कीतियां उहदे विच बेनिजमियां कीतियां ने, जिथे उहदी जांच आरंभ दित्ती है। इहदे नाल नाल कांगड़ के खिलाफ यह भी पता लग्या है कि जिन्नी उहदी आमदन सी आमदन तो वध उहने जायदाद बनाई है, इहदी जांच भी शुरू कर दित्ती गई है। आने वाले दिनों विच संभावना है कि गुरप्रीत कांगड़ दीआं मुश्किलां दे विच वाधा हो सकदा है। तो अगली जिहड़ी जानकारी वो तुहाडे नाल सांझी करदे हैं कि जेल दे विच बैठा एक गैंगस्टर
गैंगस्टर का नाम है राजीव राजा। उन्हें दरअसल जेल के विच्चों एक चिट्ठी लिखी है, तो चिट्ठी लिखी है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल उसने चिट्ठी के राही एक सलाह भेजी है। वह कहता नौजवान गुमराह ना कर बई, मैं तेन सलाह दिना। असल दे विच इस गैंगस्टर ने अपनी भैन नूं यह चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दे विच लिखिया गया कि पंजाब पहले ही बड़ा संताप भोग चुकिया, हंडा चुकिया है, तो हुण नौजवानों नूं उकसाया नहीं जाना चाहिए। उन्हें लिखिया कि अमृतपाल सिंह नूं सरबत दे भले की गल करनी चाहिए है। हुण पता यह भी लग्या कि बीते दिनी गैंगस्टर राजीव राजा ने अपनी भैन नूं जिहड़ी चिट्ठी भेजी सी उह अगे मीडिया नूं भी भेज दित्ती गई। चिट्ठी दे विच राजे ने अमृतपाल नूं संबोधन हुंदिया जिहड़ियां गल्लां दा जिक्र कीता उहदे विच लिखिया गया कि सिख नौजवानां नूं हथियार चुकण वास्ते उकसाया ना जावे। ये दरअसल उसने एक किस्म दे दोष लाए ने। उहने लिखिया है अमृतपाल सिंह नूं संबोधन हुंदिया कि जेकर पंजाब दे नौजवान अमृतपाल सिंह दे कहण ते भी हथियार चुक लैण तां भी अमृतपाल सिंह दा कुछ नहीं विगड़ना, सगों हथियार चुकण वाले नौजवान सारी उम्र के वास्ते जेल के बैठणगे, जेलों के अपनियां उमरां गुजारणगे। उन्हें लिखिया कि वह भी कई सालों तो जेल के बंद है, अपनी जिंदगी बतीत कर रहे हैं, जेल की जिंदगी बड़ी औखी है। ये वास्ते वह कहिंदा पंजाब के नौजवानों किसी भी इस तरह के व्यक्ति के पिछे नहीं लगना चाहिए जो उन्होंने जिंदगी खराब करने वास्ते जां फिर उन्होंने हथियार चुकण की सलाह दे रहा हो। इस गल की पुष्टि एक चिट्ठी लिखी गई है SSP जे एलन चेलियन ने की है। उन्होंने दसिया कि गैंगस्टर राजा ने एक चिट्ठी अपनी भैन नूं भेजी सी। उसने इस चिट्ठी दे विच किसी नूं कोई धमकी नहीं दित्ती। तो जेल सुपरडेंट एंडी नेगी ने भी दसिया है जदों उन्होंने पूछया गया कि कोई इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है, वह कहिंदे देखो जेल की चिट्ठी दे विच कोई की लिखता है ये तो उन्हें पता है, पर हाँ जेल दे विच बंद जिन्ने मुलजम ने जिन्ने कैदी ने जेल के नियमों के अनुसार उन्होंने चिट्ठिया लिखण की आजादी है। पर हाँ एक गल के उत्ते तो सानू गल करनी पड़ेगी कि भावें साडा कोई अपना है, भावें कोई पराया है, भावें वह किसी भी रूप के विच है, नौजवानी नूं किसी नूं उकसाउणा नहीं चाहिए, पर जेकर कोई सीधे रस्ते तोर रहा होवे तां उहदा विरोध भी नहीं होना चाहिए। तो हुण अगली जिहड़ी खबर है जिस के उत्ते मैं जिक्र करना चाहुंदा, पंजाब दे विच लोग भी बीमार ने और बहुत गिणती विच बीमार हो सकते हैं। किसी नूं कैंसर है, किसी नूं काला पीली है, किसी नूं साह दी, किसी नूं दमी दी, किसी नूं कोई बीमारी है, ते नाल जिथे लोग बीमार होणगे उत्थे हस्पताल पहलां बीमार ने। किसी हस्पताल विच डॉक्टर नहीं, जे डॉक्टर तां मशीनरी नहीं, जे मशीनरी है तां दवाइयां नहीं, जे दवाइयां ने तां बैड नहीं, जे बैड ने तां गंदे ने। यह समय समय से खबरां सामने आउंदियां ने। हुण जानकारी मिली है कि कल शाम अचानक पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान कुराली दे एक हस्पताल दे विच अचनचेत जांदे है, जिथे हस्पताल दे विच ओह मरीजां दे नाल गलबात करदे है, ते नाल इह वी कहिंदे कि कुराली दा जिहड़ा इह सेहत केंद्र है, जिहड़ा हस्पताल है, इहनूं मुकम्मल रूप विच सुधारिया जाएगा। इस गल दा उन्होंने उत्थे ही ऐलान कर दिता। उन्होंने आख्या कि लोगों नूं म्यारी सिहत सेवावां प्रदान कीतियां जाणगियां। उन्हां यह भी कहा कि इस केंद्र नूं भाव इस हस्पताल नूं अत आधुनिक सहूलतों नाल लैस किया जाएगा तां जो लोगों नूं किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना भविख विच ना करना पवे। ते नाल उन्होंने एक होर वड्डा ऐलान किया इस अचनचित दौरे के समय। वह कहिंदे 27 जनवरी दे तक पंजाब दे विच 500 आम आदमी क्लीनिक चालू हो जाएंगे, जिन्हां दे विच लोकां नूं मुफ्त क्लीनिकल टैस्टां दे नाल नाल जांच भी अते इलाज दीआं सहूलतां भी मुफ्त मिलणगीआं। तां मुख्यमंत्री मान ने यह भी आख्या कि पंजाब दे विच सिख्या, पंजाब दे विच सेहत अते रुजगार दे खेत्र दी मुकम्मल काया कल्प कीती जाएगी। असल दे विच जेकर लोक सेहतमंद हो जाण, लोक सिख्यात हो जाण, तां काया कल्प समाज की अपने आप ही हो जाणी है। उन्होंने इत्थे यह भी ऐलान किया कि लोक भलाई दे नाल जुड़े कुछ कारजां दे विच फंडां दी कोई घाट कोई दिक्कत आउण नहीं दित्ती जाएगी। पंजाब सरकार लोकां दी भलाई दे वास्ते इन्हां खेत्रां दी सुरजीती दे वास्ते वचनबद्ध है। उन्हां यह भी कहा कि इन्हां खेत्रां नूं सब तों वध तरजीह दित्ती जा रही है तां जो इस गल नूं यकीनी बनाया जा सके कि
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦਰਅਸਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ, ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਲੀਨਿਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਲ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਰੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਚਨਚੇਤ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਪ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਸ
लोग सभा सीट के उत्ते चोण कमिशन दे वल्लों करवाई जा सकती है। मेघालिया नागालैंड दे विच फरवरी महीने दे विच चोणां होण जा रहीयां ने, पर शायद इन्नी जल्दी जलंधर लोग सभा सीट के उत्ते चोण करवाउणी संभव ना हो सके, पर फैसला चोण कमिशन ने करना है। इहदे तों इलावा करनाटका दे विच अप्रैल महीने दौरान चोणां संभव हो सकदियां ने। चोण कमिशन अप्रैल महीने दे विच जलंधर लोग सभा हलका जिहड़ा खाली होया है इहदे उत्ते चोण करवाउण दा ऐलान कर सकदा है। जेकर चोण करवाउण दा ऐलान हुंदा है तां दसणा बणदा है कि पंजाब दे विच इस वक्त सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की। भगवंत मान की सरकार आउण तों बाद जेकर जलंधर दे विच उप चोण हुंदी है लोग सभा की तां इह दूसरी चोण होवेगी। इस तों पहलां तुहानूं याद होना है कि भगवंत मान खुद संसद मैंबर सन, मुख्यमंत्री बनन तों बाद उन्होंने अस्तीफा दिता, संगरूर लोग सभा हलका खाली होया सी, उप चोण हुई उत्थे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सरदार सिमरनजीत सिंह मान चोण जित गए सी। आम आदमी पार्टी को अपनी घरेलू सीट जिहड़ी कि मुख्यमंत्री ने खुद खाली की सी, जां मुख्यमंत्री भगवंत मान का गढ़ आख्या जा सकता, उत्थों हार का सामना करना पिया सी। यह भी आख्या जा सकता है कि चौधरी संतोख सिंह की मौत तो बाद भगवंत मान जां भगवंत मान सरकार के सामने अजिमनी चोण का एक होर सख्त इम्तिहान पै सकता है। पहली उप चोण दे विच हार दा मूँह दिखना पिया सी, दूसरी उप चोण कदों ऐलानी जाती है अते फिर नतीजे की आउणगे इहदे उत्ते नज़रां टिकियां रहणगियां। ते अगली खबर का जिक्र करदे आं, एंबूलेंस 108 जिहड़े मुलाजम ने उहनां दी एक एसोसीएशन बनी हुई है। उन्होंने दरअसल सूबा सरकार नूं पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम दिता है। उन्होंने आख्या कि अज 15 जनवरी के दोपहर 12 बजे तक जेकर उन्हां दीआं मंगां ना मनियां गईआं जां मंगां संबंधी मुख्यमंत्री वफद उन्हां नूं ना मिलिया तो अपना संघर्ष होर तेज़ कर देणगे, इत्थों तक उह कहिंदे असीं रोड जाम कर देंगे। उन्हां दे वल्लों जारी इस अल्टीमेटम संबंधी एसोसीएशन के प्रधान ने मनप्रीत सिंह निजर मनप्रीत सिंह निजर ने दस्सिया कि सरकार उन्हां दीआं जायज़ मंगां दे वल कोई ध्यान नहीं दे रही, इस करके उह कहिंदे पंजाब दे विच एंबूलेंस 108 दा काम मुकम्मल ठप हो गया, सानू हड़ताल करन वास्ते मजबूर होना पिया। मंगां की ने हुण तुहाडे जेन च भी आउंदा होणा है कि 108 एंबूलेंस के अधिकारी जां मुलाजम हड़ताल क्यों करके बैठे है, मंगां किहड़ियां ने? मुख मंगां उन्हां दीआं ने कि ठेका प्रथा नूं खत्म किया जाए, पंजाब सरकार के अधीन मुलाजमान नूं नियमित किया जाए, हरियाणा सरकार के वांग मुलाजमान की तनखा 30 तों वधा के 35,000 रुपए की जाए, 10 सालों तो रोकिया तनखा वाधा मुलाजमान नूं व्याज समेत दिता भी जाए, कंपनी के वलों कढ़े गए मुलाजमान नूं फौरन बहाल भी किया जाए, 10% तनखा वाधा यकीनी भी बनाया जाए, हर मुलाजम का 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना अते बीमारी का बीमा भी किया जाए, सेवा दौरान जान गवाउण वाले मुलाजमान के परिवार को सरकारी नौकरी अते पेनशन भी दिती जाए। दूसरे पासे क्योंकि ये तो इन्हां दीआं मंगां ने कि आ मंगां साडियां फौरी तौर पर मंगियां जाण मन्नियां जाण, नहीं तो असीं हड़ताल नूं होर तेज़ करांगे। दूसरे पासे स्पष्टीकरण दिता मैडिकल हैल्थ केयर लिमिटेड एंबूलेंस 108 सेवा के प्रोजैक्ट हैड ने जिहड़े मनीष बत्रा, क्योंकि दोवें पासे की कहिंदे ने एंबूलेंस के मुलाजम की कहिंदे ने ते इधरले पासे ये की कहिंदे ने। मनीष बत्रा कहिंदे कि यह पूरी तरह कंट्रैक्चुअल प्रोजैक्ट है, नियमित शर्तों के मुताबिक सारा कुछ चल रहा है, एंबूलेंस 108 सेवा मुलाजमान की तनखा पंजाब सरकार के मुताबिक निर्धारित की जाती है, कुशल श्रेणी भाव डीसी दर के तहत घट्टो घट मजदूरी अधिसूचना अते पिछले साल अक्तूबर दे विच मुलाजमान के बकाया के नाल नाल तनखा दे विच वाधा भी किया गया सी, पर फिर भी इस वक्त वह हड़ताल से बैठे है। वेखना होएगा कि अज मुख्यमंत्री का वफद 12 बजे तक इन्हों मिलता है, पर जो कहते ना मिलिया तो असं संघर्ष करांगे तेज़। दोस्तों ऐसी कुल मिला के अपना अज का प्रोग्राम, जेकर तुहानू प्रोग्राम चंगा लगे है कृपा करके ढिल कोई ना रखियो, लाइक अते शेयर भी कर दियो, ते जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो बेनती है कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।